फाइनली ऑफिस भी आ चुके हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सूर्यजीत प्रसाद के ब्लॉग में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मम्मी अभी मछली को तैयार कर रही है। आज फिर हम लोगों का घर में मछली हो रहा है। आर माच। अच्छा, आज आर माच बहुत ही टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और कल का ब्लॉग मैं नहीं छोड़ पाया क्योंकि ऑफिस में ही थोड़ा रह गया था, उसी वजह से मैं कल का ब्लॉग मैं नहीं छोड़ पाया। तो आज आप लोग के लिए बाहर जाएंगे, अभी फिलहाल जाएंगे थोड़ा सा मार्केट, लक्ष्मी गणेश ले आना है मुझे। मम्मी थोड़ा बोली है, भाई गया था, भाई को मिला नहीं, तो मैं थोड़ा जाता हूँ, जाके लक्ष्मी गणेश भगवान को लेके आते हैं। उनका पूजा है, कल ही ना पूजा है, पूजा कल ही है। हाँ, दीपावली है कल। चलिए पहले मार्केट जाते हैं। ठाकुर ले लिए हैं और थोड़ा सा ये माला वाला लेना था काकीनाड़ा बाजार से, ये भैया से ले लिए। और ये एक बाबू जो है रुईया बेच रहा है, तो मुझे रुई का जरूरत नहीं था, ये बच्चा को देखे तो हम ले लिए 5 रुपये का, कम से कम चलिए इसका तो कुछ चले। बस बड़ा बनो बाबू, बड़ा बहुत बड़ा हो। मार्केट में काफी भीड़ है, बहुत भीड़ है आज। बाइक लेके उसके बाद यहाँ पे आना बहुत ही मुश्किल था, जैसे तैसे आज मार्केटिंग कम से कम कर लिए, ठाकुर को ले लिए, उसके बाद आपका जो भी जरूरत था किया लिए दोनों, उसके बाद जा रहे हैं अभी घर। भगवान की मूर्ति लेके आ चुके हैं, कहीं पे 110, कहीं पे 130, कहीं 150, कहीं पे 200, तो लास्ट में 75 रुपीज़ में मुझे एक जगह वहाँ से मिला मुझे, लेकिन बहुत ही काफ़ी भीड़ था, इसी वजह से वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। तो 75 रुपीज़ में मुझे लास्ट में मुझे मिला, उसके बाद वहाँ से लेके आए हैं। पूजा के लिए जो जो सब सामग्री चाहिए तो वो ऑलरेडी भाई गया था, वो लेके आ चुका है। और लास्ट फाइनल जो था मेरा यही बाकी था, यही लेके आ चुके हैं। आ चुके हैं नहटी रेल मार्ट, पंडाल तैयार हो रहा है, ये शायद कल या परसों तक कंप्लीट हो जाए। भैया एक बोले कि कल ही हो जाएगा। हर साल इसी तरह से पूजा होता है हम लोग का, एक नहटी में बहुत ही अच्छा काली पूजा होता है, आप लोग जरूर आइएगा यार, ये सब दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ का माहौल भी बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉल भी बैठता है, यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे हल्का फुल्का बहुत सारा बैठा हुआ है। चलिए और पंडाल दिखाना है, आज तो दिवाली नहीं है, दिवाली कल है, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा दर्शन करवा दे कहाँ कहाँ कैसे कैसा पंडाल बना हुआ है। चलिए चलते हैं। ये जगह है नहटी चिल्ड्रन पार्क, यहाँ का भी पंडाल अभी तैयार नहीं हुआ है, सब कल तक तकरीबन हो जाएगा। मूर्ति भी नहीं आई है, मूर्ति भी कल तक बढ़ जाएगा, मूर्ति को लिया जाएगा कल ही, कल तक हो जाएगा सब कुछ। ये पंडाल है आप लोग का नहटी का रेलवे हॉकर्स यूनियन की तरफ से, यहाँ पे भी काम चल रहा है, आप लोग जरूर आइएगा, यहाँ का पूजा जो है हम लोग का नहटी का पूरा दर्शन जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा पूजा होता है हर साल। कल ही दीपावली है, इसी वजह से सब बहुत जोरों से काम चल रही है। आ चुके हैं कानापेटी पेंडल, ये कानापेटी का पेंडल है, यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा।
है, यहाँ पे पूजा होता है हर साल। ये आप लोगों का अंदर का दृश्य है, सामने गेट से घुस नहीं पाए, पीछे की तरफ से आए हैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए। ये है पुराना वीडियो ऑफिस, 6 नंबर विजयनगर के पास ही है। बयालीस फुट लंबा हुआ है। ये है आपका तारामा संघों का क्लब है, यहाँ पे भी अभी काम चल ही रहा है। जब बन जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा आप लोग सोचिए, जरूर दिखाएंगे वो भी नज़ारा आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। ये तो प्री कैप है जिसको बोला जाता है, पूजा से पहले थोड़ा दिखा दिया आप लोग को, उसके बाद तो जरूर दिखाएंगे, नाइट का व्यू भी जरूर दिखाएंगे आप लोग को। ये पूजा 6 नंबर विजयनगर के पास न्यू स्टार क्लब की तरफ से किया गया है। हर साल इसी तरह से इन लोगों का पूजा होता है और बहुत ही खूबसूरत बनता है, और इस साल भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत बना है। अंदर कुछ सीनरी देने का कोशिश किया गया है, अभी भी काम चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत बना है। लाइटिंग में तो और अच्छा बने दिखाई देगा, आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, वो भी व्यू जरूर दिखाएंगे। ये देखिए अभी भी काम हो रहा है। ये आपका न्यू स्टार क्लब है, अभी भी काम चल ही रहा है। छह नंबर विजयनगर कपाल कुंडला, यहाँ पे बहुत सुंदर प्रतिमा बैठाया गया है, ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है।
ये है गोपाल स्मृति संघ गौरीपुर, यहाँ पर भी अभी प्रतिमा नहीं आया हुआ है, आज शाम तक शायद आ जाए या कल तक आ जाए। आ चुके हैं अरविंद रोड नोईहाटी। यहाँ पे अभी ठाकुर नहीं बैठा है, मूर्ति प्रतिष्ठान यहाँ पे नहीं हुआ है, बाद में होगा। ফাইনালি এসে গেছি বড় মায়ের কাছে। आ चुके हैं अभी आदि मैत्र संघ नोहेटी सैम रोड, जैसे कुछ काका हम लोग को नज़र आए, तो ये हमको पता नहीं था इस जगह का नाम, तो काका लोग थोड़ा बताए हैं, काका लोग इनवाइट कर रहे हैं रात में आने के लिए, तो रात को जरूर आएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। 69 बच्चों पूजो 69 बच्चों वाह 79 ईयर। अभी आ चुके हैं फेरी रोड नोहेटी, और पीछे मेरा जो है आप लोग देख सकते हैं एक आपका पार्क है, लेकिन अंदर तो जाएंगे नहीं, आपको कभी किसी और दिन घुमाएंगे। और सामने मेरा एक पंडाल है, दिखाते हैं, रुकिए। यहाँ पे अभी मूर्ति नहीं बिठाया गया है, आज रात तक शायद ठाकुर आ जाए, माँ का मूर्ति यहाँ पे बैठा दिया जाए। नेटी फेरी रोड चुके हैं नेटी लॉन्च घाट, ठीक है, एकदम आपका गंगा जी के सामने ही है।
बड़ो माँ का पूजा के लिए ये इतना बड़ा लाइन है। माँ का पूजा का स्थान जो घर है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। बड़ो माँ का निवास स्थान यही है, बड़ो माँ यहीं पे विराजमान है। सब दर्शनार्थी जितना है, जितना भी आदमी आते हैं, सब यहीं पे आके बड़ो माँ को पूजा देते हैं। पंडाल है आपका नदिया मिल का, काफी अच्छा बना है। माँ का मूर्ति भीतर अंदर में नहीं बैठाया है, आज शाम तक बढ़ जाएगा। कल दीपावली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को नेटी का जितना भी काली पूजा है आप लोगों को दिखाने का बहुत ही कोशिश किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, मम्मी हमको फ़ोन की थी, चलिए फटाफट खाना खा लेते हैं और उसके बाद जाएंगे ऑफिस। ऑफिस भी थोड़ा देखना होगा, वैसे आज छुट्टी किए हैं, आज जाके एबसेंट ही मारेंगे, लेकिन आदत से मजबूर है तो ऑफिस जाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब नहीं तो घर में रहते रहते बोर हो जाएंगे, इसी वजह से खाना खा के फिर हम ऑफिस चले जाएंगे। अभी चलिए फटाफट खा लेते खाना, ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं। दोपहर का खाना खा भी लिया है और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और उससे पहले मम्मी से इजाज़त मांगूँगा ऑफिस जाने के लिए। और उससे पहले आज का जो मेरा ब्लॉग है यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए ब्लॉग, क्योंकि काली पूजा का बहुत सारा शूटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, इसी वजह से मैं आया हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कीजिए आज के लिए, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना सारा आपका कहाँ कहाँ काली पूजा हुआ है आप लोगों को दिखाने का कोशिश किए हैं। तो कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ मैं आऊँगा, उससे पहले बाय, टेक केयर।